और रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बांग्लादेश में तीन हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले कट्टरपंथी को स्थानीय हिंदुओं ने पकड़ लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षित होने की बात जो कही जा रही है वो पूरी तरह से हवा हवाई है। इन सबके बीच बांग्लादेश में तीन हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले कट्टरपंथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें सामने आई थी, देखिए मंदिरों में किस तरह तोड़फोड़ की गई थी। काली माता का मंदिर, बंगाल में काली माता की बहुत आस्था है, हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आस्था है, और बांग्लादेश में भी मंदिर हैं हिंदुओं के, वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता की आड़ में हिंदू मंदिरों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसकी तस्वीरें लगातार जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और इन सब के बीच एक कट्टरपंथी को पुलिस ने पकड़ लिया है। तस्वीरों में देखिए कट्टरपंथी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में तो अब सरकार कट्टरपंथियों की है, वहां एक एक करके कट्टरपंथियों को रिहा किया जा रहा है। जाकिर नायक जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले का फिर से प्रसारण वहां शुरू करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में इस शख्स को जिसने कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, बांग्लादेश में क्या कानून के मुताबिक सजा मिल पाएगी? बहुत बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि वहां जो पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वहां की जो अंतरिम सरकार है वो दावा कर रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। कट्टर मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर आरोप है कि इसने तीन हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की है। और यहां राजनीतिक अस्थिरता की आड़ में जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं। हिंदू समुदाय की गुहार शायद ही कोई सुनने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है आंख पर पट्टी बांध करके बैठा हुआ है, कान में रुई डाल करके बैठा हुआ है, और इन सब के बीच हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं।